फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पाई स्टडी सर्कल। सो गाइस, आज की वीडियो का टाइटल देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे। गाइस, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो हमारी 10th क्लास की होम साइंस सब्जेक्ट है उसका, जिसका कोड आप लोग देख सकते हैं 216 है। सो इसके चैप्टर नंबर 2 को, ठीक है। सो गाइस, इस पूरी वीडियो के अंदर ना आपको चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट नोट्स या फिर आप उनको इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बोल सकते हो, सभी मैं आपको बताने वाली हूँ। इससे बाहर आपका कुछ नहीं आने वाला, पूरे के पूरे चैप्टर का यही निचोड़ है। चैप्टर का नाम आप लोग देख सकते हैं, भोजन और उसके पोषक तत्व। सो गाइस, जैसे पिछली वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट किया था इस चैप्टर, मतलब इस सिलेबस को, 10th होम साइंस के सिलेबस को, आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे लगातार काफ़ी टाइम से, तो हमने इस सिलेबस को स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 1। उसके भी इंपॉर्टेंट नोट्स और टॉपिक्स मैंने आपके साथ पिछली वीडियो में शेयर किए थे। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो के इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस चैप्टर को भी देख लीजिएगा, बाद में पहले इस चैप्टर को डिस्कस कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाले नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि मैं जब भी कोई भी नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा पॉइंट है ना चैप्टर नंबर 2 का, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ये चैप्टर नंबर 2 ही है, ठीक है। सो गाइस, चैप्टर नंबर 2 का जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है भोजन और उसके पोषक तत्व। सो देखिए, भोजन और क्योंकि चैप्टर का नाम ही हमारा क्या है, भोजन और उसके पोषक तत्व, तो पहला जो पॉइंट बनता है वो यहीं से बनता है कि भोजन और उसके पोषक तत्व होता क्या है। सो किसी भी प्राणी के लिए भोजन क्या होता है, मूल आवश्यकता है। मूल आवश्यकता का मतलब सबसे मेन चीज़ है। और यदि मनुष्य के संदर्भ में, इंसान के बारे में बात की जाए, तो भोजन का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। भोजन जितना पर्यायवाची शब्द आहार है, भोजन जिसका पर्यायवाची शब्द में क्या कहते हैं भोजन को, आहार बोलते हैं। आहार हमारी भूख को तृप्त करता है तथा हमें पूरे दिन कार्य करने के लिए क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। इसलिए क्या कहा जाता है कि इसलिए यही कहा जाता है कि उत्तम आहार, मतलब अगर आपका आहार उत्तम हो, अच्छा हो और पौष्टिक होना चाहिए, क्योंकि जब हम उत्तम और पौष्टिक आहार खाएंगे तो हमारा विचार भी उत्तम होंगे, हमारे दिमाग में ख्याल भी अच्छे आएंगे, और जब हमारे विचार उत्तम होगा तो स्वाभाविक है कि हमारा व्यवहार भी अच्छा ही होगा, क्योंकि आहार, विचार और व्यवहार तीनों को आपस में एक दूसरे से संबंधित माना जाता है। अब देखो क्या है, हम विभिन्न प्रकार का आहार करते हैं, काफ़ी सारे तरीके की चीज़ें हम खाते हैं, जैसे कि क्या क्या खाते हैं हम लोग, रोटी, चावल, दाल, सब्जी, ये सब। और पेय खाद्य पदार्थों के रूप में हम दूध पीते हैं, दही, विभिन्न प्रकार के सूप और फलों का रस लेते हैं। सो इस तरीके से जो आहार होता है वो छोटे छोटे अक्षांशों से बनता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है, आई होप ध्यान से आप इसको पढ़ेंगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। और अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए गाइज, तो पीडीएफ फाइल के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7303838500। मतलब अगर आप अभी तक आपने कोई कॉपी नहीं खरीदी है, बुक नहीं खरीदी है, कोई गाइड आपने परचेज नहीं की है, सो बुक या कॉपी, बुक या फिर कोई गाइड लेने की जगह पर आप हमसे यहाँ पर पूरे के पूरे नोट्स ले सकते हैं इन सभी वीडियोस के, पूरे सिलेबस के। और वहाँ पर आपको कोई फालतू चीज़ नहीं मिलने वाली, हर एक चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट निचोड़ होता है वही हम आपको देते हैं। बट गाइज, उसके लिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको पर सब्जेक्ट का, यहाँ पर चैप्टर का जो है, सॉरी, पर चैप्टर का आपको पीडीएफ फाइल चाहिए, सो उसके लिए आपको छोटा सा एक अमाउंट पे करना पड़ेगा, वो है आपका 10 रुपीज़ का अमाउंट। गाइस, ये अमाउंट भी जस्ट इसलिए है क्योंकि जो भी हम आपके लिए काम करवाते हैं, हमने पूरी टीचर की एक टीम तैयार की हुई है। यूट्यूब की तरफ से देखें तो हमें अभी पिछले 2 साल से कोई सपोर्ट कुछ भी नहीं हमें मिला है अभी, तो हम काफ़ी आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, काफ़ी सारे हमारी पूरी टीम है जो इस काम में लगी रहती है। आपके टीम के सोल्यूशन हम लोग लाते हैं, आपका सिलेबस करवा रहे हैं काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स का। सो जस्ट इसलिए वीडियोज़ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं आपका, वो आपकी मर्जी है। बट अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो पर चैप्टर का आपको यहाँ पर 10 रुपीज़ है। और अगर आपको पूरा सिलेबस चाहिए होम साइंस का या फिर इसके अलावा जो हमारे अदर सब्जेक्ट्स हैं, सो गाइज, उसके लिए यहाँ पर आपको जस्ट 200 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे और आपको पीडीएफ फाइल के तौर पर यहाँ पर पूरा कंप्लीट सिलेबस होम साइंस का मिल जाएगा। बट ये आपकी चॉइस है, वीडियोस के थ्रू आप अगर करना चाहें तो वीडियोस आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। हम पढ़ रहे थे कि भाई आहार जो है ना छोटे छोटे एकांशों से बनता है, जिसे क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं, ठीक है। और इन पोषक तत्वों की आवश्यकता हमें क्या, स्वस्थ और चुस्त रखने के लिए होती है। इसलिए हमारा भोजन ऐसा होना चाहिए जिनसे हमें सभी पोषक तत्व मिल सके और हम स्वस्थ रह सकें। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो, यहाँ से यहाँ तक आप ध्यान से इसको पढ़िए और अच्छे से तैयार करिए। सो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि जिस भोजन को हम सेवन करते हैं उसमें अनेक रासायनिक तत्व होते हैं, उन रासायनिक तत्वों को पोषक तत्व कहा जाता है। सो ये तो हो गया पोषक तत्व क्या होते हैं, ये पूरा हमने डिस्कस किया है, स्क्रीनशॉट आप हैंड टू हैंड ले लीजिएगा इसका। अब अगला जो पॉइंट है जहाँ से आपके क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं, चाहे लॉन्ग बने या शॉर्ट बने, वो है स्टार्च से आप क्या समझते हैं। सो स्टार्च को जटिल शर्करा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जटिल शर्करा भी कहते हैं।
पौधे स्टार्च के रूप में ऊर्जा एकत्र करते हैं और जब हम स्टार्च युक्त पौधा उत्पादों को सेवन करते हैं तो हमारा पाचन तंत्र इस स्टार्च को ग्लूकोज में क्या कर देता है, विखंडित कर देता है और ये ग्लूकोज रक्त में अवशोषित होकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो स्टार्च के मुक्त स्रोत कौन कौन से हैं, कहाँ से स्टार्च हमें ज़्यादा मिलता है, आलू से, शकरकंदी से, अरबी से, इन सभी चीज़ों से। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट ये तो हो गया स्टार्च के बारे में, स्टार्च का क्या मतलब है और कहाँ से हमें मिलता है। अगला जो हमारा मेन पॉइंट है जहाँ से आपका ज़्यादा क्वेश्चन बनता है वो है प्रोटीन हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है, तो प्रोटीन की आवश्यकता है हम देख सकते हैं, फिर प्रोटीन क्यों आवश्यक है हमारे लिए। सो प्रोटीन हमारे शरीर के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि शरीर में मांसपेशियों के निर्माण, निष्क्रिय कोशिकाओं व ऊतकों के पुनर्निर्माण में सहायक है। मतलब हमारे शरीर के अंदर जो मांसपेशियाँ होती हैं उनको तैयार करता है और जो हमारी कोशिकाएं निष्क्रिय पड़ी होती हैं ना उनको भी वे फिर से पुनर्निर्माण कर देता है। चलिए गाइस आगे बढ़ने से पहले, अगला पॉइंट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, सो गाइस अगर आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट है तो इंग्लिश का लगभग पूरा ही सिलेबस हमने अपने इस चैनल पर कंप्लीट करा रखा है, आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा 10th NIS इंग्लिश चैप्टर्स, सो ऐसे करके आपको पूरा इंग्लिश का सिलेबस मिल जाएगा, सिचुएशन वगैरह सारी चीज़ों में मैंने सॉल्व करा रखी हैं। और गाइस इसके अलावा इंग्लिश वाले बच्चों के लिए हमने एक नया चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम गाइस क्या है, लर्न इंग्लिश। तो लर्न इंग्लिश पर और भी बेहतर और अच्छे तरीके से आपको केवल इंग्लिश से रिलेटेड चीज़ें ही सीखने को मिलेंगी, आपका सिलेबस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो सारी चीज़ें आपको लर्न इंग्लिश चैनल पर मिल जाएंगी। इस चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जस्ट लिंक पर क्लिक करना है और आप हमारे चैनल पर भी पहुंच जाएंगे लर्न इंग्लिश को भी। सो गाइस जिस तरीके से आप लोग हमारे स्पाइस स्टडी सर्कल चैनल को प्यार कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, डेली काफ़ी सारे लोग हमसे जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइबर हमारे इंक्रीज़ हो रहे हैं क्योंकि बहुत हम मेहनत करते हैं यहाँ पर भी, सो उतनी ही आपसे उम्मीद है कि आप हमारे इस दूसरे चैनल को जिसका नाम है लर्न इंग्लिश इसको भी इतना प्यार करेंगे, सपोर्ट करेंगे और आपका जो सिलेबस है इंग्लिश का वो वहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब लर्न इंग्लिश चैनल, इस चैनल का लिंक आपको मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगी, सो सब्सक्राइब कर ही लेना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो आपका जो पॉइंट है ना जहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, सो तो शेयर कर सकते हैं वीडियो को, लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स करें, बताएं मुझे, फीडबैक आपका बहुत मैटर करता है, फीडबैक से पता चलता है अभी आपको कैसी लग रही है वीडियो, क्या अभी कुछ कमी तो नहीं रह गई है, क्या हमें मेहनत करनी है आप लोगों के लिए। सो गाइस देखिए अगला जो पॉइंट है वो है भोजन में कार्बोहाइड्रेट का महत्व, तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में पता होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि गाइस क्या होता है, चलिए दिखा देती हूँ, थोड़ा स्किप हो गया था। सो गाइस कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कार के लिए क्या, ईंधन। मतलब मान लो आपको जो है कार किस चीज़ से चलती है, ईंधन से चलती है, उसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है जो हमारे शरीर को दिन भर सक्रिय बनाए रखते हैं। अब भोजन में इतनी कमी होने से शरीर में थकान की अनुभूति होती है, कुछ खाद्य पदार्थ स्टार्च के रूप में हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट उपलब्ध कराते हैं, ठीक है, सो कार्बोहाइड्रेट उपलब्ध कराते हैं, कुछ खाद्य पदार्थ स्टार्च के रूप में हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट उपलब्ध कराते हैं और कुछ खाद्य पदार्थ शर्करा के रूप में कार्बोहाइड्रेट उपलब्ध कराते हैं। सो गाइस ये जो हमारा पॉइंट था पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट आप फटाफट यहाँ से यहाँ तक ले लो कि कार्बोहाइड्रेट का जो है वसा में क्या महत्व है, भोजन में क्या महत्व है, यहाँ से यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं हम लोग, तो गाइस अगला जो हमारा पॉइंट है ना वो है रूक्षांश से आप क्या समझते हैं, तो रेशेदार भोजन को क्या कहते हैं, रूक्षांश, सबसे पहली चीज़ ये, और ये भोजन में उपस्थित अपाच्य कार्बोहाइड्रेट हैं, रेशे केवल पादप स्रोतों से ही प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है आगे बढ़ लेते हैं, स्माइल के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखिए, आप लोग हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। सो ये हमें जो होता है हमारा ये रूक्षांश कहाँ से मिलते हैं, साबुत गेहूँ का आटा, दलिया, इसके अलावा फल जैसे कि अमरूद, सेब, अनानास, केला, साबुत दालें जैसे कि लोबिया, राजमा, काले चने। अगला है सब्जियां जैसे कि मटर, फलियां, गाजर, पत्ता गोभी, हरी पत्तेदार गोभी, ये सब। तो आपको ये ध्यान रखना है रूक्षांश किन किन चीज़ों से मिलता है, यहाँ से यहाँ तक आप इसका भी स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। चलिए गाइस अगला जो हमारा पॉइंट है वो है कि भी भोजन के क्या कार्य हैं, बट मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7303838500, यहाँ पर आपको PDF फाइल मिल जाएगी, वीडियोस आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, बट जो है यहाँ पर आपको थोड़ा सा अमाउंट पे करना पड़ेगा PDF फाइल के लिए। इसके अलावा टीम के सोल्यूशन भी हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं 2021 वाले सेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो PDF तो आप वीडियो देखिए और आप जो है अपना TMA के सोल्यूशन भी तैयार करिए, वहाँ पर आपको 6-6 क्वेश्चन के आंसर हर TMA के हर सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, चलिए 10th के भी और 12th के भी। सो गाइस अगला है कि भोजन के कार्य क्या हैं, अब भोजन देखो हम खाते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण उसके कार्य माने जाते हैं, भोजन के कार्य निम्नलिखित हैं कौन कौन से हैं, भोजन हमें ऊर्जा देता है, ठीक है, ये यहाँ पर ये ऊर्जा आई थिंक वर्ड मिस हो गया है, तो भोजन हमें ऊर्जा देता है आप लिख लीजिएगा, भोजन हमारे शरीर की क्रियाओं को सामान्य बनाए रखने में सहायता करता है,
भोजन हमारे शरीर में रोगाणुओं से लड़ने की शक्ति देता है। इसके अलावा भोजन से हमें काम करने की शक्ति भी मिलती है। भोजन से हमारे शरीर में ऊतकों के विकास और ऊतकों के निर्माण में भी सहायता मिलती है। सो ये हो गए कुछ भोजन के काम। यहाँ से यहाँ तक आपको पता होना चाहिए भोजन के क्या काम है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कॉमेंट सेक्शन में डेफिनेटली मुझे बताइए वीडियो आपको कैसी लगी है। आयोडीन के बारे में बात करें तो आयोडीन शरीर के लिए क्यों आवश्यक है। सो थायराइड ग्रंथि की सुचारू क्रियाशीलता के लिए, जो हमारी थायराइड ग्रंथि होती है वो सही तरीके से काम करे, उसके लिए आयोडीन अनिवार्य है। व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए थायराइड ग्रंथि का उचित रूप से कार्य करना जरूरी है। और इस रूप में कहा जा सकता है कि शारीरिक और मानसिक दोनों विकास में आयोडीन सहायक होता है। अगर शरीर में उचित मात्रा में आयोडीन नहीं होता तो विकास की गति भी कैसी होती, अवरुद्ध हो जाती, मतलब उसमें बाधा उत्पन्न हो जाती। तो आयोडीन शरीर के कोशों में होने वाली ऑक्सीकरण की क्रिया को भी क्या करता है गाइस, प्रभावित करता है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं गाइस, जो कि है हमारा, ये तो आयोडीन के बारे में हो गया, अब है आपका, देखिए भोजन के पोषक तत्व चैप्टर का नाम है तो सारे के सारे ये भोजन के पोषक तत्व हैं, चाहे आयोडीन हो, रूक्षांश हो, प्रोटीन हो, जल हो, भोजन हो, ये सब ये भोजन के पोषक तत्व हैं। इसी तरीके से प्रोटीन भी भोजन का तत्व है। प्रोटीन के क्या कार्य होते हैं और कहाँ से स्रोत, मतलब इसके स्रोत क्या है, मिलता कहाँ से है। पहला पॉइंट ये है कि शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण प्रोटीन की सहायता से हो जाए, जो नई कोशिकाएं बनती हैं प्रोटीन की सहायता से बनती हैं वो, और ये क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत भी करता है। जिन कोशिकाओं की टूट फूट हो जाती है ना, उनकी मरम्मत भी कौन करता है, प्रोटीन करता है। चलिए अगला हमारा जो पॉइंट है वो है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, पहले सबसे पहली बात प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, जस्ट क्लिक ही करना है तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है उससे। सो गाइस अगला पॉइंट है कि चोट लगने पर प्रोटीन द्वारा ही घाव भरता है। अगर प्रोटीन की अच्छी खासी मात्रा आपके अंदर है, आपने देखा होगा कि अगर किसी को स्टिचेस वगैरह आते हैं, टांके आते हैं किसी को भी, तो उसको बोला जाता है कि प्रोटीन से भरी चीज़ें आप खाओ, जैसे कि दाल हो गया या पनीर हो गया, तो प्रोटीन के लिए बोला जाता है, तो घाव जल्दी भर जाते हैं उससे। रक्त के एंजाइम तथा हार्मोन से स्राव हैं जो शरीर की आंतरिक क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। आंतरिक ज़रूरतों के लिए भी प्रोटीन आवश्यक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रोटीन शरीर को कार्य करने की शक्ति प्रदान करता है, लेकिन सामान्य स्थिति में हमारा शरीर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए प्रोटीन का प्रयोग नहीं करता। अब अगला पॉइंट था हमारा कि भाई प्रोटीन के स्रोत क्या हैं, कहाँ कहाँ से आपको प्रोटीन मिलता है। सो स्रोत है कि भाई मांस, अंडा, मछली और मुर्गा, ठीक है, जितनी भी मांसाहारी चीज़ें होती हैं उनमें प्रोटीन है। मूँगफली, दाल, मटर, सोयाबीन, इसके अलावा गेहूँ, दूध, पनीर, दही, दूध से बनी चीज़ों में भी हमारा प्रोटीन प्राप्त होता है। तो प्रोटीन के इन स्रोतों से क्या पता चलता है कि वनस्पति तथा प्राणी दोनों से ही हमें प्रोटीन मिलते हैं। वनस्पति मतलब जो वनस्पति से रिलेटेड चीज़ होते हैं, प्राणी का मतलब जो मतलब ये हो गई मछली हो गई, चिकन हो गया, इन सब से भी। मांस, दूध, मछली आदि से प्राप्त प्रोटीन प्राणिज प्रोटीन कहलाते हैं। और वनस्पति वाले प्रोटीन कौन से होते हैं, जैसे कि गेहूँ, सोयाबीन, मटर, दाल आदि से जो जितने भी प्रोटीन प्राप्त होते हैं ये वनस्पति प्रोटीन कहलाते हैं। और वनस्पत प्रोटीन की तुलना में प्राणिज उच्च कोटि के होते हैं, जो मांस वगैरह होते हैं ये ज़्यादा उच्च कोटि के होते हैं। सो गाइस कीप स्टडी इन पाई स्टडी सर्कल नाम का हमारा चैनल है, यूट्यूब पर आइए विजिट करिए और काफ़ी सारी स्कूल वीडियोज आपको यहाँ पर वेट कर रही हैं। टीम के सोल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे, अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है 2021 सेशन वाले बच्चों के लिए। इसके अलावा इसके रिलेटेड जो भी अपडेट्स होती हैं वो भी हम टाइम टू टाइम आपको देते रहते हैं। इसके अलावा लाइव सेशन भी हमारे होते हैं, तो अगर आपको लाइव कोई डाउट पूछना है तो लाइव हमारे जो सर हैं वो सारे डाउट आपके क्लियर करते हैं। उसके लिए आप जो है मंडे रात को 9 बजे हमारा लाइव सेशन होता है, मंडे 9 PM, वहाँ पर बहुत सारे बच्चों के डाउट हम क्लियर करते हैं डायरेक्टली, वो हमसे इंटरेक्ट करते हैं वहाँ पे। सो आप आके अपने जो भी डाउट है ना इससे लेकर रिगार्डिंग आप पूछ सकते हैं। सो मंडे 9 PM आ जाइए आप लोग अपने डाउट क्लियर करने। सो वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़। अब अगला जो हमारा पॉइंट है वो है शरीर में विटामिन की उपयोगिता, विटामिन के बारे में है। तो देखिए मनुष्यों के आहार में प्रोटीन, कार्बोज, वसा तथा खनिज लवण के अतिरिक्त विटामिन शरीर के निर्माण और पोषण में विशेष योगदान नहीं देते, लेकिन शरीर सुचारू रूप से चलाने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए विटामिन अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, सुरक्षात्मक तत्व कहा जाता है। चलेगा अगला पॉइंट है विटामिन की समुचित मात्रा ग्रहण करने से शरीर में विभिन्न रोगों से मुकाबला करने की और उनसे बचे रहने की क्षमता भी प्राप्त होती है। लेकिन इसके उल्टा विटामिन के अभाव से व्यक्ति विभिन्न प्रकार के रोगों का शिकार हो जाता है। चलेगा अगला पॉइंट है हमारा कि विटामिन ग्रहण करने से व्यक्ति चुस्त और स्वस्थ बना रहता है, और इसके विपरीत विटामिन की न्यूनता, अगर कमी आ जाए या अभाव हो जाए तो इसके परिणाम स्वरूप शरीर की शक्ति कम हो जाती है तथा रक्त में विभिन्न कीटाणुओं से लड़ने की शक्ति घट जाती है। सो गाइस अगला जो पॉइंट है वो है कि समुचित मात्रा में विटामिन ग्रहण करने से, मतलब सही तरीके से अगर आप विटामिन ग्रहण करते हो तो भूख भी सही से लगती है, लेकिन इसके उल्टा अगर विटामिन सही तरीके से नहीं लेते या कमी हो जाती है शरीर में तो भूख कम लगती है और सुस्ती बनी रहती है तथा व्यक्ति को नींद भी अधिक आने लगती है।
ठीक है। सो गाइस अगला जो हमारा पॉइंट है पीडीएफ के लिए कॉन्टैक्ट, मैं फिर से बता दूं आपको 7303838500 नंबर से आप जो है हमसे पीडीएफ के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि विटामिन के अभाव अथवा न्यूनता, मतलब अगर विटामिन की कमी हो जाए तो शरीर की अत्यधिक क्षीण अथवा दुर्बलता हो जाती है, शरीर कमज़ोर पड़ जाता है। अगला हमारा गाइस पॉइंट है कि भाई शरीर में वसा के प्रमुख कार्य क्या है। वसा का मतलब फैट। तो शरीर के आवश्यक तत्वों में वसा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। वसा शरीर के लिए विभिन्न प्रकार से उपयोगी होती है। वसा नामक ये जो रासायनिक यौगिक है वो पर्याप्त मात्रा में प्रकृति में स्वतंत्र रूप से विद्यमान है। ये काफ़ी अधिक चिकने होते हैं, वसा जो है चिकनी होती है। वसा नामक रासायनिक यौगिक का निर्माण मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इन सभी से होता है और कुछ लिपिड्स में अल्प मात्रा में फास्फोरस तथा नाइट्रोजन भी विद्यमान होते हैं। सामान्य रूप से सभी प्रकार की वसा पानी में अघुलित रहती है, लेकिन अन्य जैविक विलायकों में घुलनशील होती है। वसा को प्राणी जगत अथवा वनस्पति जगत के विभिन्न स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है। मक्खन, घी, तेल इत्यादि, ये जितनी भी मतलब फैट वाली चीज़ें होती हैं ये सभी वसा के प्रमुख स्रोत हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ से यहाँ तक ले सकते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए सो गाइस नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एंड इट वुड बी द लास्ट पॉइंट के भी पोषण तथा स्वास्थ्य। पोषण और स्वास्थ्य किस तरीके से एक दूसरे से रिलेट करते हैं, संबंधित हैं। सो पोषण मानव जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। पोषित खाना, पोषण मिलना आपको, इसके अभाव में जीवित रहना बिल्कुल असंभव है। हम जो भी भोजन करते हैं उसी से हमारा शरीर अर्थात स्वस्थ बनता है, शरीर अच्छा बनता है, पोषण मिलता है, उसी से हमें शक्ति प्राप्त होती है और उससे हमारा स्वभाव भी प्रभावित होता है। वस्तुतः पोषण एक विस्तृत अर्थ वाला शब्द है। पोषण के अंतर्गत हम निम्नलिखित क्रियाओं का, बहुत सारी क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, ठीक है। सो ये आप बस इतना ध्यान रखिए, जो कौन कौन सी क्रियाएं हैं वो आपको नहीं जाननी, जस्ट इतना ध्यान रखिए कि वाकई में पोषण और स्वास्थ्य एक दूसरे से रिलेट करते हैं। सो गाइज कीप स्टडी इन पाई स्टडी, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी चैप्टर नंबर 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये जो मैंने आपको बताया पूरे चैप्टर का निचोड़ है, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आता। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस चैप्टर के, पीडीएफ के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमें किसी भी तरीके का कोई सपोर्ट करना चाहते हैं तो मैंने आपको नंबर बताया था, आप किसी भी तरीके से हमारी हेल्प कर सकते हैं। कोई भी आप कुछ भी आप डोनेट करना चाहें, कुछ भी देना चाहें, सो आप जो है व्हाट्सअप से जुड़ जाइए हमारे गाइज। इसके अलावा टीएमए के सॉल्यूशन भी आपको हमारे वीडियो पर मिल जाएंगे, और लर्न इंग्लिश चैनल का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइज सी इन द नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन कीप स्टडी इन पाई स्टडी। थैंक यू सो मच गाइज एंड गुड।